वेलकम टू जीनियस एस आई एस फाइव मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है इसके पार्ट फाइव पे हम पहुंचे हुए हैं और पार्ट फाइव में हम आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की बात करते हैं और ये हमारे यूनियन की बात करता है हमारा जो देश है वो दो हिस्सों में बटा है यूनियन और स्टेट्स तो यूनियन के बारे में बात करता है उसके नीचे एक और लेवल आता है जिसे हम विलेज लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं वो लेवल भी है लेकिन ये वाला पार्ट पार्ट फाइव हमारा यूनियन की बात करता है सेंटर की बात करता है और इस सेंटर में एक चैप्टर हमने किया एग्जीक्यूटिव लेकर एग्जीक्यूटिव पढ़े हमारे यूनियन के अब इस यूनियन के लेजिसलेटिव की बारी है हमारे तीन ऑर्गन हैं हमने पता है गवर्नमेंट हमारी सरकार के तीन ऑर्गन होते हैं एक एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं कार्यपालिका जिसे हम, हम, हम नंबर का टू है पार्ट फाइव का तो पार्ट फाइव का चैप्टर नंबर टू जिसे हम पार्लियामेंट के रूप में पढ़ेंगे इसकी हेडिंग है हमारी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट हमारे आर्टिकल सेवेंटी से लेकर वन तक इसमें हम

लेकिन ये पार्लियामेंट है क्या इस पार्लियामेंट में क्या क्या आता है तो हमेशा जब भी ऐसी कोई बात आए जब कंफ्यूजन हो तो हम, हम हम अपने संविधान की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है तो हमारे पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 में क्लियर लिखा है कि पार्लियामेंट के तीन हिस्से पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं ये तीन चीजें मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं क्या क्या आप सभी ने लोकसभा और राज्यसभा का नाम तो सुना होगा लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा भी कह सकते हैं एंड हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं तो ये तीन चीजें मिलके पार्लियामेंट बनाती है तो पार्लियामेंट में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा नहीं आते हैं पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट ठीक है तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारे प्रेजिडेंट हमारे राष्ट्रपति वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग जो इनके मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के लेकिन प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का खुद एक पार्ट है वो मेंबर कैसे हो सकता है तो प्रेसिडेंट एक पार्ट है पार्लियामेंट के अब इसको दूसरे तरीके से भी हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम क्या है हमने पढ़ा पार्लियामेंट इसको मैंने दूसरा नाम दिया लेजिस्लेटिव या विधान पालिका जो हमारे लिए विधान बनाए जो हमारे लिए लॉ या कानून बनाने का काम करे और इस कानून बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है कोई भी कानून बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए एक लोकसभा एक राज्यसभा और जब इन दोनों से पास हो जाए उसके ऊपर आखिर में साइन करने के लिए हमें प्रेजिडेंट भी चाहिए इसीलिए पार्लियामेंट के हमारे पार्लियामेंट के तीन तीन पार्ट हैं पहला हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ये तीन पार्ट हमें पता होना चाहिए ठीक है तो कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि प्रेसिडेंट पार्ट है कि नहीं प्रेसिडेंट भी पार्ट है क्योंकि कानून बनाने का हिस्से में लास्ट में साइन किसके होते हैं प्रेसिडेंट के तो वो भी कानून बनाने का हिस्सा है लेजिस्लेटिव में लास्ट में साइन वही करते हैं तो पार्लियामेंट के हमारे तीन पार्ट हैं ये हमें ध्यान रखना है अब उसके बाद एक और आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 80 हमने पार्लियामेंट के तीन पार्ट देखे उसमें से प्रेसिडेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर आपने ध्यान दिया हो प्रेसिडेंट के बारे में हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ लिया अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट की ये हमारे आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 था अगर आपको याद आ रहा हो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो वो वीडियो जरूर देखना अब हम आर्टिकल 80 की बात करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के बारे में बताया गया है राज्यसभा की कंपोजिशन कैसी होगी राज्यसभा में कौन कौन होगा ये सारी चीजें तो राज्यसभा में कौन कौन होगा तो उसमें दो चीजें बताई गई हैं पहला कि उसमें बारह नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड मेंबर, मेंबर जिन्हें नामांकित किया जाता है किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को यानी वो इलेक्ट होके नहीं आते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है नहीं प्रेसिडेंट कुछ फील्ड में जो एक्सीलेंट लोग होंगे जो एकदम हम कहेंगे कि बहुत बहुत चीजों से ऊपर उठ चुके हैं यानी पार पा चुके हैं बहुत बहुत सारी चीजों में उन फील्ड में सबसे आगे हैं वो उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कौन से चार फील्ड है चार फील्ड ऐसे हैं जिनमें से प्रेसिडेंट चुनता है और उनको नॉमिनेट करता है यहां पर हमारे सबसे पहले लिटरेचर लिटरेचर फील्ड से देखेंगे फिर उसके बाद साइंस की फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है उसके बाद आर्ट में कला जिसे हम कहते हैं और उसके बाद सोशल सर्विस समाज सेवा इन चार फील्ड में काम करने वाले लोग उनमें से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है बारह मेंबर्स को राज्यसभा के लिए बारह तो ये हो गए बाकी बचे हुए मेंबर्स बाकी टू थर्टी एट मेंबर्स और होते हैं बाकी मैक्सिमम टू थर्टी एट मेंबर्स और करे जा सकते हैं द वे ऑफ इलेक्शन बाय द वे ऑफ इलेक्शन टू थर्टी एट मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है तो टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और 250 250 है है इसकी टू, है। और टू थर्टी एट इलेक्शन होकर बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स कि हमारे राज्यों के प्रतिनिधि हैं इनके नाम पे जरा ध्यान देना दोनों पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये स्टेट्स के लिए है हाउस ऑफ पीपल ये लोगों के लिए है इसीलिए लोकसभा लोगों की सभा राज्यसभा राज्यों की सभा ठीक है ना तो यहां पर ये जो राज्यों की सभा है इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट चुनके कैसे आएंगे लोकसभा को लोगों के द्वारा चुना जाता है थोड़ा सा और नाम पे ध्यान देते हैं लोकसभा के जो लोग हैं उन्हें लोग चुनेंगे पीपल चुनेंगे यानी हम वोट डालेंगे लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहां पर स्टेट वोट डालेगा अब स्टेट में कौन वोट डालेगा स्टेट में हमारे द्वारा चुने हुए लोग यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि कौन हो गए विधानसभा में जो हमारे द्वारा चुने गए लोग बैठे हैं राज्यों में हर राज्य में विधानसभा है विधानसभा में हमने कुछ लोगों को चुनके भेजा है वो लोग वोट डाल के अपनी तरफ से राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं तो ये किसके द्वारा चुने जाते हैं हम नहीं चुनते हैं। के को हम इलेक्ट नहीं करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा और स्टेट में कौन करेगा जो स्टेट की विधानसभा में बैठे हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके इलेक्टेड तो समझ में आया कौन है अब ये जो टू थर्टी एट मेंबर्स हैं, किस स्टेट से कितने आएंगे ये कैसे पता लगेगा ये कैसे पता लगेगा कि यूपी से कितने आएंगे तमिलनाडु से कितने आएंगे पंजाब से कितने आएंगे ऐसे तो अपनी मर्जी से कितने ही भेज देंगे कुछ डिसाइड किया होगा वो कहां लिखा है तो उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल जो हमारे संविधान का है चौथा शेड्यूल जिसे हम कहेंगे फोर्थ शेड्यूल इसमें लिखा गया है कि कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में आएंगे ध्यान रखना फोर्थ शेड्यूल लोकसभा के लिए नहीं है लोकसभा से कहां से कितने आएंगे इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं है लेकिन राज्यसभा में कहां से कितने मेंबर्स आएंगे उसके लिए फोर्थ शेड्यूल में प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि इस स्टेट से इतने आएंगे इस स्टेट से इतने आएंगे अब बात तो होगी स्टेट की सवाल एक और रह जाता है इनका इलेक्शन वो किस तरीके से रह जाता किस तरीके से होता है इनका इलेक्शन के तरीके को हम बोलते हैं पी आर एस टी वी याद आया मैंने एक बार पहले भी इस वर्ड को यूज किया हुआ है जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये तरीका क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है नहीं याद आ रहा एक बार फिर से आप वो वीडियो देखिए आपको याद आएगा अब मेरा एक छोटा सा डाउट रह जाता है कि यहां पर स्टेट के मेंबर्स बोल रहा हूं मैं स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को तो इलेक्ट कर रहे हैं क्या यूटीज के बारे में किसी ने नहीं सोचा यूनियन टेरिटरीज क्या यहां से कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं आएगा आएगा लेकिन यहां से कैसे आएगा इलेक्ट होके आएगा नॉमिनेट होके आएगा यहां के तरीके का कि यहां से जो मेंबर्स आने हैं उसके बारे में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि वहां से किस तरीके से मेंबर्स को चुना जाएगा पावर जो है पार्लियामेंट को दे दी कि पार्लियामेंट विल डिसाइड कि यूटीज से कैसे मेंबर्स को लिया जाएगा राज्यसभा में यह हमारा आर्टिकल एटी था जहां पर राज्यसभा के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी और उसी के साथ साथ 78 के 79 आर्टिकल में भी हमने बहुत सारी चीजें जानी कि पार्लियामेंट होता क्या है किस किस चीज से मिलकर बना है तो ये आज के आर्टिकल्स थे आगे के आर्टिकल्स आने वाली वीडियोज में हम लेके आते रहेंगे हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे और आने वाले आर्टिकल्स आपको बताते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर बाय बाय